हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि परफेक्ट रोटी किस तरीके से बनाई जाती है जो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होती है। तो चलो बताते हैं किस तरीके से बनती है। ये मैंने आटा ले लिया है, इसमें मैंने नमक डाल दिया आधा चम्मच, ये पानी है, इसको नमक को मिला लेते हैं आटे के अंदर, मिक्स कर लेते हैं इसे। अब धीरे धीरे इसे धीरे धीरे इसमें पानी डालते हैं, धीरे धीरे डालना है पानी को, एक साथ नहीं डालना। और आटा हमको बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रखना है। इसका आटे को धीरे धीरे ही डालना है और नॉर्मली पानी पानी को धीरे धीरे डालना है आटे के अंदर, और सारे स्टेप फॉलो करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको, तभी आप गोल गोल फूली फूली रोटी बना पाओगे। देखो आटे को बिल्कुल सॉफ्ट ही रखना है और पानी को भी धीरे धीरे ही मिलाना है। आटे को कम से कम 5 से 10 मिनट तक गूंदना है, इसको ऐसे रगड़ रगड़ के इसकी खूब मालिश करनी है एक तरीका से सुस्ती। ज्यादा टाइट नहीं गूंदना इसका आटा, इसको दोनों हाथों से इस तरीके से इसकी पिटाई करनी है आटे की, 5 से 10 मिनट तक, तभी आपकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। थोड़ा थोड़ा आटा हाथ में लगा के इसको गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में लगाकर आटे को गूंदना है। इस तरीका से आटा मुलायम होता जाएगा। जितना आप आटे को गूंदेंगे आटे की रोटियां उतनी ही मुलायम बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी। और वीडियो को पूरा ही देखना, स्टेप मिस नहीं करना एक भी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से ही आटे को गूंदना। तभी तो कैमरा ऑन है दोस्तों। आपको एक चीज और डालनी पड़ेगी लास्ट में, जब आटा गूंद जाएगा इस तरीके से हाथों में घी लगाकर आटे को रगड़ना है। इसमें देखो इस तरीके से, इससे क्या आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन जाएगा और रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनेंगी इसकी। इसको जरूर डालना वरना आपकी रोटियां मुलायम नहीं बनेंगी। ये चीज तो आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों। ये वाला जो स्टेप है लास्ट वाला घी वाला, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोला करती हूँ हमेशा कि वीडियो को पूरा देखा करो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताना आप हमको कि रोटियाँ किस कैसी बनी है। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, फिर इसकी रोटियां बनाएंगे। ये रेस्ट पर रखना जरूरी है। हैं
हम आटा हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से देखो आटा रेडी हो चुका है। लोगों को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर अपनी रोटी डाल देते हैं। देखो कितनी गोल गोल बनी है। इस तरीके से ही हम दूसरा पेड़ा लेते हैं और रोटी को बेलते हैं। जब तक हमारी ये रोटी ऊपर से थोड़ा कलर नहीं बदल देती तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। देखो जब ये ऊपर से ऐसा कलर आ जाए रोटी में तभी पलटना इसको इस तरीके से, और गैस को मंदी कर दो। इस तरीके से सेकना है। देखो कितनी अच्छी फूली हमारी रोटी। देखो कितनी अच्छी रोटी फूली है। आप भी अपने घर पर ट्राई करो इस तरीके से रोटी बनाओ, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए।